सब्सक्राइब कीजिए मनीष सक्सेना फोटोग्राफी चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियोस को सबसे पहले अपने मोबाइल पर देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे प्री वेडिंग फोटो एडिटिंग आइडियाज के बारे में। तो यहाँ मेरा जो आइडियाज से मतलब है फ्रेंड्स, कई बार जो बिगनर फोटोग्राफर्स हैं या जो एमेचर फोटोग्राफर्स हैं, इवन कई प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स हैं जिनके पास काफ़ी सारे लाइटिंग गेयर्स नहीं होते हैं प्री वेडिंग शूट करते वक्त, तो उनकी इमेजेस थोड़ी सी जो है फ्लैट हो जाती है शूट करते वक्त और वो इफेक्ट नहीं आ पाता जो एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो हाई एंड लाइटिंग इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं आउटडोर फोटोग्राफी पे स्पेशली। तो आज इस वीडियो में हम सीखेंगे, कुछ ऐसे आइडियाज़ लगाएंगे जिससे आपको बिल्कुल ऐसा लुक मिलेगा जो जब आपका क्लाइंट देखेगा तो उसे लगेगा कि आपने बहुत ही अच्छे फोटोग्राफी गेयर्स यूज़ किए हैं और लाइट को बहुत अच्छे से या सन को बहुत अच्छे से ओवर पावर किया है और भरी दोपहर के जो शॉट्स हैं उसे भी बहुत अच्छे से आपने जो है कैप्चर किया अपने कैमरा में। तो जैसा कि आप इस वक्त इमेज देख पा रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये प्री वेडिंग फोटोग्राफी का शूट है और आप देखेंगे कि ये जो बिल्डिंग है काफ़ी अच्छे से एक्सपोज हुई है, थोड़ी ओवर एक्सपोज है क्योंकि इमेज थोड़ी फ्लैट है इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग। और आप देखेंगे जो ये क्लाउड्स हैं इसका डिटेल भी इतना इफेक्टिव नहीं है, ये जो ट्री है आप देख पा रहे हैं इसका भी जो इफेक्ट जो है इतना अच्छा नहीं आ रहा है और ये जो फ्लोर आप देख रहे हैं इसका भी जो इफेक्ट है वो उतना अच्छा नहीं नज़र आ रहा है एक प्रोफेशनल तरीके से। लेकिन इसमें सबसे अच्छी बात जो है शूट करते वक्त वो ये की है कि ये इमेज को हमने रॉ पे शूट किया है। रॉ पे शूट करने का मतलब ये होता है कि अब आप इस इमेज के ऊपर जो है अच्छे से काम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, सभी बिगनर फोटोग्राफर्स और सभी जो बिगनर एडिटर्स हैं उनके लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम इसका फ्रेम थोड़ा सा करेक्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे राइट पे जाएंगे। हाँ, दूसरी चीज़ मैं आपको बता दूँ कि ये मैं एडिटिंग करते वक्त इस वक्त जो मैं यूज़ कर रहा हूँ कैप्चर 111 प्रो जो है सॉफ्टवेयर मैं यूज़ कर रहा हूँ। बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स, अगर आपके पास ये सॉफ्टवेयर नहीं है तो आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, ट्रायल वर्जन आपको मिल जाएगा 30 डेज का, फिर आपको अच्छा लगता है तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। तो आप देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे इस वक्त इमेज आपको दिखाई दे रही है, तो सबसे पहले हम इसका एक क्लोन बना लेंगे। तो यहाँ हम जाएंगे, राइट क्लिक किया और यहाँ पे हमने इसका क्लोन वेरिएंट एक क्रिएट कर लिया है। तो देख रहे हैं आप, क्लोन वेरिएंट आ गया नीचे, यानी कि नंबर 2 इमेज पे हम काम करेंगे और जो 1 इमेज है वो एकदम अनइफेक्टेड रहेगी। तो अब हमें यहाँ क्या करना है फ्रेंड्स, हमें जाना है अपने एक्सपोजर सेटिंग्स में और यहाँ पे फ्रेंड्स हमें थोड़ा सा हमें प्ले करना पड़ेगा क्योंकि हमने जो है बहुत फ्लैट इमेज शूट की है और अब हमें जो है इसको प्रोफेशनल लुक देना है, थोड़ा आइडियाज़ लगाने हैं इसको। तो यहाँ पे एक्सपोजर पे हम जाके इसे थोड़ा माइनस में लेके जाएंगे और इस तरह से जो है मैं अभी इसको करीब, ये देखिए करीब -0.48 के ऊपर मैंने कर लिया है। तो अब आप देख रहे हैं मुझे थोड़ा सा क्लाउड का डिटेल बेटर लग रहा है पहले से और ये देख रहे हैं यहाँ पर हमें लाइटिंग का जो पीछे आर्किटेक्चर है, जो बिल्डिंग अभी देख रहे हैं जगह, वहाँ पर थोड़ा इफेक्ट हमें ठीक लगने लगा है। अब जो कंट्रास्ट है थोड़ा हम कंट्रास्ट को ऊपर लेके जाएंगे, ये देखिए यहाँ पे हम इसे करीब इस तरह से और आप देख पा रहे हैं ये अभी हमने करीब ये रख लिया है 22 के ऊपर कंट्रास्ट। अभी इमेज थोड़ी डार्क हो गई है लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ा सा हमें और पेशेंस रखना पड़ेगा। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा ब्राइटनेस, तो हम ब्राइटनेस थोड़ा सा इसे ऊपर करेंगे, ये देखिए यहाँ 5 तक और 6 तक रखा है हमने ब्राइटनेस, ठीक है। और इसके बाद जो है सैचुरेशन हम थोड़ा कम करेंगे, अभी ये हमने कर लिया है करीब -4 के आसपास हमने कर लिया सैचुरेशन। अब जो है फ्रेंड्स यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है नेक्स्ट टूल हमारा, यानी कि हाई डायनेमिक रेंज, और ये आप देख रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड पे हाइलाइट्स एंड शेडोज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे क्योंकि यही जो है एक किसी इमेज के अंदर हाइलाइट्स एंड शेडोज का काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है। तो अब मैं जो है थोड़ा शेडोज़ के साथ प्ले करूँगा और शेडोज़ को मैं ऊपर लेके जाऊँगा, ये देखिए मैंने इस तरह से इसको ड्रैग किया ताकि मेरी इमेज में जो है मेरे मॉडल्स मेरा सब्जेक्ट अच्छे से नज़र आए। और ये मैं करीब लेके जा रहा हूँ इसे 69 तक मैंने कर दिया है अभी, तो आप देख रहे हैं बहुत ही अच्छे से जो है अभी इसको थोड़ा सा और ऊपर लेके जाएंगे हम, तो करीब 77। सो नाउ आप देख रहे हैं इमेज थोड़ा सा अभी हमारी हर चीज़ जो है नज़र आने लगी है बट इट इज़ लुकिंग ओवर एक्सपोज। तो अब जो है हमें हाइलाइट्स को प्ले करना है और हाइलाइट्स जो है हम थोड़ा हाइलाइट्स का जो इसे हम ड्रैग करेंगे ऊपर की तरफ और हाइलाइट्स को हम ड्रैग करके करीब यहाँ रखेंगे ऑलमोस्ट 57 और ये हमने कर दिया 77 के आसपास। सो आप देख रहे हैं हाईलाइट एंड शेडो हमारा एडजस्ट हो गया है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है वो है हमारा
क्लैरिटी टूल, क्लैरिटी टूल को हमें थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर लेके जाना है ताकि हमारा जो मॉडल का स्किन है थोड़ा टाइट हो अच्छे से और थोड़ी सी शार्पनेस भी इंक्रीज होगी। तो मैं इसे करीब कर देता हूँ अभी 9 और नीचे जो स्ट्रक्चर है वो भी करीब मैं रखूँगा 7 के आसपास। देखिए सो आप देख रहे हैं थोड़ा सा इमेज जो है हमारा अब अच्छा नज़र आने लगा है और थोड़ा सा इसे और प्रोफेशनल लुक देने के लिए। अब आप ये ध्यान रखिए कि जब भी इस तरह की इमेज आप शूट कर रहे हैं तो आपको ये जो टूल्स मैं बता रहा हूँ जैसे एक्सपोजर हो गया, कॉन्ट्रास्ट या ब्राइटनेस, सेचुरेशन, हाई डायनेमिक रेंज, हाईलाइट्स एंड शेडोज, क्लैरिटी टूल, विग्नेटिंग, ये सब के साथ आपको प्ले करना पड़ेगा। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप देखेंगे कि ये इमेज जो है वो एकदम कम्प्लीटली एक नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। तो ये प्रैक्टिस जरूर करिए, हर इमेज अलग तरह की होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है ये हमें विग्नेटिंग। अब हम यहाँ पे जो है इसे थोड़ा सा माइनस में लेके जाएंगे ताकि हमें अच्छा इफेक्ट मिले अपनी इमेज पे। और ये मैं ले गया हूँ करीब करीब इसे, देखिए और माइनस में लेके जा रहा हूँ मैं ताकि थोड़ा मुझे और अच्छा इफेक्ट मिले। और करीब ये देखिए, तो ये हमने अभी कर दिया इसे और माइनस पे लेके जाते हैं थोड़ा ताकि और इफेक्ट हमें अच्छा मिले। तो ये देखिए -2.74। नाउ यू कैन सी द इमेज इज नाउ कम्प्लीटली थोड़ा एकदम लुक अलग हो गया है। देखिए दिस इज बिफोर, ये जो एक्चुअल इमेज है, और ये जो है इमेज दिस इज द आफ्टर वन। चलिए थोड़ा सा काम अभी और बाकी है इसमें। तो हम जो है अब आप यहाँ देख रहे हैं लेवल्स, तो अब हम लेवल्स पे क्लिक करेंगे और लेवल्स को जो है हम अच्छे से प्ले करेंगे। यहाँ पे आप देख रहे हैं 255 है तो इसे हम जो है थोड़ा कम करेंगे, करीब मैं लेके जा रहा हूँ ताकि थोड़ा सा लाइट और हमें इंक्रीज हो हमारे पूरी ओवरऑल इमेज पे। तो ये करीब मैं इसको ले गया हूँ 221 तक। सो नाउ यू कैन सी फ्रेंड्स द इमेज इज कम्प्लीटली जो है उसकी लुक एकदम चेंज हो गई है। और यहाँ का जो है हमारा ये इसे हम कर देते हैं करीब 0.06। सो एक बार और कंपेयर करते हैं, दिस इज द एक्चुअल इमेज एंड दिस इज आफ्टर प्रोसेसिंग ऑफ रॉ इमेज। तो आप देख रहे हैं कि ये जो फोटो एडिटिंग आइडियाज हैं ये आपको इमेज को देखना पड़ेगा, उस हिसाब से फिर आपको जो है थोड़ा उसको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टूल की तरफ, वो है हमारा कर्व। तो कर्व जो है ये थोड़ा हमें इंटेलिजेंटली फ्रेंड्स प्ले करना है, बहुत ज़्यादा छेड़खानी नहीं करनी क्योंकि इमेज अब हमारी अच्छी लग रही है। तो हम सबसे पहले जो है कर्व को यहाँ से स्टार्ट करेंगे। देखिए इस तरह से मैंने क्लिक किया यहाँ पे और थोड़ा सा जो है ये देखिए हल्का सा मैंने इसे ऊपर किया है। उसके बाद जो है हम यहाँ पे हमने क्लिक किया और थोड़ा सा इसको और ये देखिए इस तरह से हमने थोड़ा सा इसे नीचे किया। उसके बाद हम क्लिक करेंगे यहाँ पे कर्व को और अपनी हाइलाइट्स एंड शेडोज को बैलेंस करेंगे ताकि थोड़ा सा ये देखिए बिल्कुल हमने बहुत हल्का सा कर्व को टिल्ट किया है ताकि हमारी शेडोज जो है थोड़े से अच्छे दिखाई दें। और यहाँ पे उसके बाद देखिए इस तरह से और हमने थोड़ा शेडो को और क्रिएट किया है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं शेडोज जो है इधर नीचे गाउन के पास मॉडल की अच्छी आ गई है। अब जो नेक्स्ट स्टेप है फ्रेंड्स वो ये है इसको थोड़ा हम इमेज को क्रोप करेंगे। तो मैंने ऊपर क्रोप वाले टूल पर क्लिक किया है और यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ से हम थोड़ा क्रोप करने के बाद इसे ऊपर तक लेके जाएंगे ताकि ये देखिए इधर से इस तरह से इमेज को हमने क्रोप कर लिया है। और क्रोप करने के बाद जो है आप देख पा रहे हैं दिस इज आवर फाइनल इमेज फ्रेंड्स। सो नाउ यू कैन सी दिस इज बिफोर एंड दिस इज आफ्टर। सो ये छोटे से मैंने एक फोटो एडिटिंग आइडियाज लगाए हैं अपने कैप्चर वन प्रो के अंदर। ये बहुत ही अच्छा सॉफ्टवेयर है फ्रेंड्स। देखिए आप इमेज कम्प्लीटली जो है एक अलग लेवल पे चली गई है और बहुत अच्छे से प्रोफेशनली हमें जो है एक लुक आ गया इमेज के अंदर। फिर वो चाहे क्लाउड्स की डिटेल हो या ये बिल्डिंग का आप देख रहे हैं आर्किटेक्चर हो या फिर नीचे यहाँ आप देखेंगे आप जो शेडोज है और जो हमारा सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी अच्छे से नज़र आ रहा है। तो ये एक छोटा सा मैंने वीडियो बनाया था, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो इसे जल्दी से लाइक कीजिए और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड जल्दी से सब्सक्राइब नाउ का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोज़ को देखने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स।